सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप कौर है ते मैं तुहाडा अपने चैनल पाथ टू श्योर सक्सैस ते स्वागत करदी हाँ। पिछली वीडियो दे विच आपां इंपोर्टेंट MCQs कीते सन ते अज आपां जो नैक्सट टॉपिक है वह स्टार्ट करांगे जो कि है नॉइज़ एंड माइक्रोबियल पोल्यूशन। तुसीं इस चैनल नूं वध तों वध लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर कर लेना तो जो नीडी स्टूडेंट्स ने उन्हां तक ये वीडियो पहुँचा देना ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस मटीरियल तक पहुँच सकन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मैं जो टैलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दे देवांगी उत्थे तुहानूं ये PDF अवेलेबल हो जाएंगे। सो जी आपां स्टार्ट करते हैं नॉइज़ एंड माइक्रोबियल पोल्यूशन। फस्ट है जी कोई भी अजिही अनसुग के ये हुंदा की है शोर ते जवाणु प्रदूषण की हुंदा है। इसका अर्थ हुंदा है भी कोई भी अजिही अनसुखामी आवाज़ जिदे मनुखी सेहत ते माड़े प्रभाव पैंदे आ, कोई भी अनचाही आवाज़ जिसनों आपां सुनना पसंद नहीं करते तो उसनों आपां शोर कहने हाँ। पद्धर हरेक लोगों लिए वक् वक् हुंदा, कोई ज़्यादा उच्ची आवाज़ सुन सकता, कोई थोड़ी सुन सकता, तो इसनों आपां शोर कहने हाँ। हुण आवाज़ दीआं दो मुख विशेषतावां हन, एक तां हुंदी है जी तीव्रता, तीव्रता हुंदी है आवाज़ का वध जां घट होना। दूसरी हुंदी है आवृत्ति जो कि सुर की उचाई ते चढ़ाई हुंदी है। जो तीव्रता हुंदी है इसनों आपां कहने हाँ जी जो इंटेंसिटी हुंदी है, इंटेंसिटी हुंदी है तीव्रता जिसनों आपां किद्दां मेजर कर सकते हैं लाउडनेस। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हुंदी है जी पिच जो हुंदी है किसी सुर की किन्नी क आवाज़ आपां उचाई हुंदी है, किन्नी क चढ़ाई पिच, किन्ना क उच्ची बोलते हैं, किन्ना क आपां हौली बोलते हाँ। जो इंटेंसिटी हुंदी है साउंड की, जो आवाज़ की तीव्रता हुंदी है उसनों आपां किस चीज़ ना ही माप सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुसीं याद रखना है, उसनों आपां मेजर कर सकते हैं जी डेसीबल, जिसनों की कहने हाँ DB, DB दे रूप में जो साउंड की तीव्रता हुंदी है उसनों आपां मापदे हाँ। जो डेसीबल हुंदा ये इकाई का एक पैमाना लॉजिस्टिक हुंदा, ये मैथिकल नहीं हुंदा, 0 dB तो शुरू हुंदा है। जो लॉजिस्टिक पैमाना हुंदा है इसका मतलब हुंदा है जी 0 dB तो 10 dB जो बनती है तो आवाज़ के वधन का भाव हुंदा है कि आवाज़ 10 गुना ज़्यादा जो है वह बढ़ गई है। तो आवाज़ के 10 dB तो 20 dB तक वधन का अर्थ हुंदा भी आवाज़ है जो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो 30 dB तक वधन का अर्थ हुंदा जी आवाज़ 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस तो बिना इन्होंने आपको दसिया ही जो इंपोर्टेंट है मनुखी कान, जे आप गल करिए कि जो अपने बहुत घट या बहुत ज़्यादा आवृत्ति वाली आवाज़ की तुलना में अपने जो कान हैं वह 1 kHz तो लैके 4 kHz जो विस्तार विचली आवाज़ की प्रति वधेरे संवेदनशील होंगे। इस तो बाद होंगे जी अपनी जो सुन शक्ति की समर्था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्नी है अपनी है जी 20 Hz तो 2000 Hz या 20 kHz होंगी है। इस तो बाद आप कहने जो कोई आवाज़ होंगी उसनों कदों कह सकते हैं कि आप शोर पै रहा है, जो किन्नी हो जो उसका पद्धर 80 dB तो ज़्यादा बढ़ जाए। जो अपनी कॉमन आप वॉक आप जो किसी टॉक करते हाँ साधारण वार्तालाप होंगी है वो जो आवाज़ होंगी है किन्नी होनी चाहिए है जी 30 to 35 dB। तो जे किसी भी घर अंदरले वातावरण में आवाज़ औसतन किन्नी होंगी है वह होंगी है जी 45 dB। जड़ी साधारण ट्रैफिक चलता है तो उसकी आवाज़ किन्नी होंगी है चलती ट्रैफिक की 50 to 60 dB। तो जो बहुत भारी ट्रैफिक होंगे आवाज़ किन्नी होंगी है वह होनी होंगी है जी 80 to 85 dB तक। नैक्सट है जी जो नॉइज़ लैवल है जिन्हों आप कहने भी जो जो रॉकेट लॉन्चिंग होंगी है तो उस टाइम जो शोर का आवाज़ का पद्धर होना चाहिए आवाज़ किन्नी होनी चाहिए है तो वह होंगी है जी 160 to 180 dB तक होनी चाहिए है। इस तो बिना जी नैक्सट जी इसका इंपोर्टेंट पार्ट आता है जिस विच इन्होंने अपन स्टैंडर्ड ते गाइडलाइनस दसिया हैं। जिमें आप गल करते हैं जी जो इंडस्ट्रियल एरिया होंगे उत्थे दिन के समय किन्नी आवाज़ होनी चाहिए है 75 dB तक होनी चाहिए है, तो रात के समय 70 dB तक। जिहड़ा कमर्शियल एरिया आ जाता जिसनों आप व्यापारिक खेत्र कहने हाँ ये दिन के समय 65 dB तक होनी चाहिए है, रात में इतने आवाज़ 55 dB तक। रिहायशी एरिया जो अपना रेजिडेंशियल एरिया होंगे इतने 55 dB दिन के समय होनी चाहिए है, रात में 45 dB तक। तो जो शांति का खेत्र होंगे जिन्होंने आप साइलेंस जोन कह दें उत्थे 50 dB दिन के समय तो 40 dB
रात के समय तक होनी चाहिए है। ये जो मापदंड है ये 1986 नोटिफाई किया गया सी, जो वातावरण सुरक्षा निजम से इसनों तुसी चंगी तरह याद कर लेना है। इतों तुहानू एक जां दो क्वेश्चन आ सकते ने, ये बहुत ही इंपोर्टेंट अपने एक डायग्राम दिता गया है। नैक्सट जी इन्होंने दसिया है जो दिन का समा है, दिन का समा आप कदों इनकलूड करते हैं, सवेर 6 तो लैके रात 9 बजे तक, तो रात का समा 9 बजे तो लैके सवेर के 6 बजे तक। इस तो बिना इन्होंने कहा जी शांति खेत्र केड़े होंगे, जिदा हस्पताल स्कूल हो गए अदालत हो गई, इन्हां दे आले दुआले 100 मीटर का जो खेत्र होंदा वह साइलेंस जोन होंदी आ, जिते वाहनों के हारन लाउड स्पीकर के पटाके चलाने पर पाबंदी होंदी है। नैक्सट है जी मिश्रित श्रेणी के खेत्रों किसी भी समर्थ अधिकारी द्वारा आप प्रोकत दोहां श्रेणियों विचों किसी भी एक खेत्र वजो निर्धारित कर सकते हैं। जो विभिन्न विभिन्न श्रेणियां ने उन्हां दे वाहनों के लिए अलग अलग शोर मापदंड होंगे, जिमें मोटरसाइकिल स्कूटर या 3-व्हीलर हो उस दे लई जो नॉइज की लिमिट होंगी डीबी दे विच कितनी होनी चाहिए 80, जो सवारी कारा होंदिया हन जिन्हां नूं आप पैसेंजर कार्स कह दें उन्हां विच जी 82 डीबी तक होनी चाहिए है। जो पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स होंगे उन्हां कुल भार जिन्हां दा 4 टन तक हो 85 डीबी, जो सवारी जां व्यापारिक वाहन होंगे उन्होंने 99 डीबी, भार कि होना चाहिए है 12 टन तो घट, सवारी जां व्यापारिक वाहन जिन्हों का 12 टन तो वध हो 91 डीबी तक आवाज़ जो है वह लागू है। इस तो बिना जी जो अपने घरेलू उपकरण हैं उन्होंने की सीमावान ने जो निश्चित कीतिया गई हैं, जिस तरह 1 टन तो लैके 5 टन तक के खिड़की से लगाए जाने वाले AC आ उसकी 68 डीबी तक होनी चाहिए है, हवा कूलर की 60 तक, फ्रिज की 46 डीबी तक, घरेलू उद्देशों लिए प्रयोग हो जाने वाले जो डीजल होंगे जनरेटर होंगे रोलर फ्रंट लोडर कंक्रीट मिक्सर क्रेना आरे आदि 75 डीबी तक जो आवाज़ है वो लिमिट की गई है। नैक्सट है जी जो शोर प्रदूषण हैं इसके सोर्स की ने कितों कितों होंदा है, जिमें कि उद्योगिक स्रोतों तो होंगे, जो बड़िया बड़िया फैक्ट्रियां चलदियां हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो भी होंगे जिमें कारां बसां रेलां ये भी बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर दियां हैं, खेती मशीनों के कंबाइन आ गई ट्रैक्टर आ गए घरेलू शोर आ गया जिमें आप पहला पढ़िया है फ्रिज वगैरह इस आ जाए, मनोरंजन उपकरण जिमें TV रेडियो ज DJ चलते हैं, आतिशबाजी होगी आर्मी जो प्रैक्टिस करती है, धार्मिक तो परिवारिक जोड़े समागम होंगे उस टाइम भी जो DJ वगैरह ढोल धमाका होंगे है उस वि। इस तो बिना जी जो निर्माण उपकरण हैं जिदा बुलडोजर आ गए ड्रिलिंग मशीन आ गई ट्रालियाँ घरेलू जनरेटर के राही भी शोर पैदा होंगे है, तो जो आप डीजल इंजन का प्रयोग करते हाँ जिमें पंप हो गए ट्रैक्टर हो गए इन्होंने नाल भी शोर प्रदूषण होंगे है। तो इसके हम प्रभाव की पैदे हैं, तो इसके की प्रभाव पैदे हैं जी आम सेहत उपर प्रभाव पैदे हैं, जिस नाल व्यक्ति गुस्से वाला तो चिड़चिड़ा हो जाता, चिंता के तनाव बढ़ते हैं, सिर पीड़ अखा का दबाव स्टार्ट हो जाता, अचानक पैदा होया जिहड़ा उच्च तीव्रता वाला शोर आ ये जो माइंड का मनोविज्ञानिक कार्यकुशलता भी प्रभावित होंगी है, जिहड़े अनजमे बच्चे आ उन्होंने बहुत ज़्यादा माड़ा प्रभाव पाउंदा। निरंतर जारी रहने वाला जिहड़ा शोर प्रदूषण आ ये अपने दिल ते दिमाग ते जिगर ते भी माड़ा प्रभाव पाउंदे हन। इस तो बिना जी नींदरा रोग वधेरे पसीना आना सुस्ती उदासीनता थकावट मेदे विच फोड़े आदि भी हो सकते हैं। नैक्सट है जी ये जो सुनने की शक्ति ते की प्रभाव पाउंदा, तो आप कह सकते हैं कि जे लगातार शोर हुंदा रहे जां तिखी आवाज़ होवे तां आपां कई बार अपनी सुनने की जो समर्था है उन्हों गवा सकते हाँ। जो शोर द्वारा सुनने की शक्ति की हानि होंदी है उसनों आपां की कहने जी सोशियोक्यूसिस कहने हाँ, जो अपने सुनने की शक्ति की हानि होंदी है तो उस लिए ये जो टर्म है यूज़ की जाती है। नैक्सट है जी जो उम्र के नाल कमजोर सुनने की शक्ति होंदी है उसनों आपां पैस बाइकोसिस कहने, तो दोनों टर्म्स का तुसी ध्यान रखना है। शोर द्वारा जां सुनने की शक्ति नूं हाम हुंदा है तां इह कहने हां, जदों उम्र के कारण हुंदा है तां उहनूं पैसी बाइकोसिस कहने हां। नैक्सट है जी मनोविज्ञानिक प्रभाव की पैंदे हन कि इह अपनी एकाग्रता नूं भंग करदे, अपने कई जो टिशू हन उहदे नाल खत्म हो जांदे हन, तां अपने तनाव जो है उह स्टार्ट होना। इस तो बिना जी शरीरक प्रभाव की पैदे हैं, नसा के प्रभाव सिर पीड़ दिल की धड़कन च वाधा लहू नाड़ियाँ सुंगड़ना नज़र की कमजोरी ये सारिया चीज़ा इस आदियां हूँ। आप इसको घट किमें कर सकते हाँ, शोर प्रदूषण घट करने लिए जी हरी पट्टी योजना लागू की जानी चाहिए है, जो सड़क ने रेलवे लाइन हैं जो उद्योगिक खेत्र ने इन्हों के आले दुआले जो रुख ने
ਜਾਂ ਜੋ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10-15 ਡੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਤ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਰੂੰਆਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 5 to 8 mm ਮੋਟਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ 50 dB ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਕੁਝ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਹੈ IPC ਦਾ 268 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੋ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੁੱਖ ਅਧਿਨਿਯਮ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ 4 ਐਕਟ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫੈਕਟਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 1948, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 90 dB ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1988 ਦਾ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ 1988 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 1986 ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮ 2000। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਪਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 to 6 PM ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮਰੇ।